हाउ टू रिकॉर्ड ए क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब वीडियोज यूजिंग फोन। तो तुम बेस्ट से भी बेस्ट वीडियोज बनाते हो बट फिर भी तुम्हारे वीडियोज पे ना के बराबर ही व्यूज आते हैं। इसका मेनली एक ही रीजन होता है, वो है क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस ओवर, जो तुम्हारे वीडियो को तुम्हारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है। एंड 90% क्रिएटर्स इसी पॉइंट पे फेल हो जाते हैं बाय डूइंग दिस मिस्टेक। सो डोंट वरी, इस वीडियो में तुम्हें क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस ओवर करना सिखाऊंगा। और हाँ, इसमें हम ना तो किसी महंगे माइक का यूज करेंगे और ना ही किसी प्रीमियम सॉफ्टवेयर का। एंड तुम्हें बताऊँ, इस चैनल पे मैंने अब तक 92 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड किए हैं। इन सभी वीडियोस का वॉइस ओवर मैंने अपने फोन से ही रिकॉर्ड एंड एडिट किया है। एंड एग्जैक्टली इस वीडियो में तुम्हें 92 वीडियोस के वॉइस ओवर्स का ब्रेकडाउन दिखाऊंगा सेटअप बाय सेटअप यूजिंग फोन। तो फिर करते हैं स्टार्ट। ओके, सो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां फर्स्ट पार्ट में आपको वॉइस ओवर करने की कुछ प्रैक्टिकल एंड एडवांस्ड टिप्स बताऊंगा, जिनसे तुम्हारा 70% काम हो जाएगा। एंड बाकी का 30% एडिटिंग का, जहां पे हम एडिटिंग एप्स, नॉइस, इको एंड कट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम हाउ टू रिकॉर्ड वॉइस ओवर के बारे में जानो। ओके, सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है फाइंड ए नॉइसलेस प्लेस। तो सबसे पहले आपको अपने घर में कोई नॉइजलेस प्लेस ढूंढनी होगी, जहाँ पे सबसे कम नॉइस आता होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अलमारी का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें सबसे पहले कुछ क्लोथ्स, कुशन्स या फिर कुछ सामान रखना होगा। एंड मेक श्योर कि आपने वॉइस ओवर करने से पहले अपने कमरे के सारे डोर्स, विंडोज एंड फैन को ऑफ रखा होगा। एंड हमारा पॉइंट नंबर 2 है रीड द स्क्रिप्ट बिफोर यू रिकॉर्ड द वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर करने से पहले तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को 2 से 4 बार पढ़ना होगा, जिससे वर्ड्स को बोलने में तुम्हें आसानी होगी एंड तुम एकदम क्लियर बोल पाओगे। एंड इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, स्माइल एंड नेक का। तो जब आप अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर कर लेना एंड वॉइस ओवर करने से पहले एक लिटिल स्माइल कर लेना। इससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड फिर आप बिना रुके पूरे वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड वॉइस ओवर करने के टाइम पे अपने फोन को अपने मुंह के पास से रख लेना, बट थोड़ा सा दूर, लाइक 5 to 6 इंच की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये ट्रिक मेरी फेवरेट है एंड ये मेरे पे काम भी करते हैं। इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ड्रिंक द वाटर। तो वॉइस ओवर करने के टाइम पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा पानी भी पी लेना होगा, जिससे तुम्हारा गला नहीं सूखेगा एंड तुम एकदम क्लियर पाओगे। एंड तुम वाटर के साथ थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हो, जिससे तुम्हें वॉइस ओवर करने में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। एंड इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, रिकॉर्ड योर वॉइस ओवर इन स्लो ट्यून। तो इस मिस्टेक को आजकल के 90% क्रिएटर्स करते ही करते हैं। वो एक ही सेकंड में पूरे स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे वो किसी स्कूल में अपने सर को कोई क्वेश्चन सुना रहे होते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा, तुम्हें अपना वॉइस ओवर स्लो ट्यून में रिकॉर्ड करना होगा, जैसे आप किसी फ्रेंड से नॉर्मली बात कर रहे हो। एंड इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, टेक सम ब्रेक। तो अगर आप वॉइस ओवर करने के टाइम पे बोर हो जाते हो या फिर नर्वस हो जाते हो तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स भी ले सकते हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो या फिर रेस्ट कर सकते हो। इससे आप पूरे वॉइस ओवर में एनर्जेटिक फील करोगे। एंड आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, यूज डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर। तो कुछ नए क्रिएटर्स इस बात पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हमें किस रिकॉर्डर से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा। तो इसके लिए आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन का डिफॉल्ट रिकॉर्डर भी यूज कर सकते हो विद दीज सेटिंग्स। एंड उसके बाद सिंपली अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, इस वॉइस ओवर को मैंने अपने फोन से ही रिकॉर्ड किया है विदाउट एनी माइक और विदाउट एनी प्रीमियम सॉफ्टवेयर। तो अब आपने देखा होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माय वॉइस ओवर एंड दिस वॉइस ओवर। तो इसको ऐसा बनाने के लिए हम यूज करेंगे कुछ फ्री एप्लीकेशंस का, लाइक लेक्सस ऑडियो एडिटर और एफएल स्टूडियो मोबाइल। तो मैं यहाँ पे एफएल स्टूडियो का ही यूज करता हूँ, क्योंकि वो लेक्सस ऑडियो एडिटर से 10x एडवांस्ड है। तो अगर आप लेक्सस ऑडियो एडिटर में अपनी वॉइस को एडिट करोगे तो आप इन सेटिंग्स का यूज कर सकती हो, इनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। एंड अगर आप एफएल स्टूडियो मोबाइल को यूज करोगे तो आप इन सेटिंग्स को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें एफएक्स इक्वलाइजर लेना होगा, जिसकी सेटिंग में तुम्हें लो एंड हाई बूस्ट पे सिलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद तुम एफएक्स ग्राफिक इको ले सकते हो एंड इसकी सेटिंग तुम्हें सेम कॉपी करनी होगी। इससे तुम्हारे वॉइस ओवर में इको सारा रिमूव हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हें एफएक्स ट्यूनड इको को ऐड करना होगा, जिससे तुम्हारे वॉइस ओवर में सारा नॉइस रिमूव हो जाएगा एंड तुम्हारे वॉइस ओवर में एक अच्छा सा ट्यून भी फ्लो हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर तुम्हारे वॉइस ओवर में वॉल्यूम कम या ज्यादा है तो तुम एफएक्स लेवलर का भी यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारे वॉइस ओवर का वॉल्यूम एकदम से बैलेंस रहेगा। एंड उसके बाद सिंपली अपने वॉइस ओवर को नॉर्मलाइज सेटिंग को ऑन करके सेव कर लेना। नाउ तुम यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वाला रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। क्या तुम्हें मालूम है, इस वॉइस ओवर को मैंने अपने फोन से ही रिकॉर्ड किया है विदाउट एनी माइक और विदाउट एनी प्रीमियम सॉफ्टवेयर। क्या तुम्हें मालूम है, इस वॉइस ओवर को मैंने अपने फोन से ही रिकॉर्ड किया है विदाउट एनी माइक और विदाउट एनी प्रीमियम सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में किसी भी एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल नहीं बना सकता हूँ, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इन 2 एप्लीकेशन में से किसी पे एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो इस वीडियो पे हिट कर देना 50 लाइक्स एंड कमेंट्स में स्पैम करना ट्यूटोरियल, मैं वीडियो बना लूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।